हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में लेसन 3 वाटर में हाउ वाटर इज सप्लाइड इन सिटीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पेज नंबर 1818, हाउ वाटर इज सप्लाइड इन सिटीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है और वाटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो बेटा मैंने बताया था, इन आवर हाउस वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, द रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, रिवर्स एंड लेक्स आर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर इज मोस्ट प्रीशियस, वी गेट वाटर फ्रॉम बिलो द ग्राउंड फ्रॉम वेल्स बाय यूजिंग हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि वाटर को सिटीज़ में सप्लाइड कैसे करते हैं, कैसे जाता है वाटर। ठीक है, पहले तो आपको ये मालूम चल गया कि रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर, और अनदर थिंग्स भी हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बट रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, तो अब ये वाटर सप्लाई कैसे होता है सिटीज़ में, अब हमको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि बारिश हो रही है सीधा हमारे घर में हम बकेट्स में या टब्स में पानी रख लेते हैं और उनका यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है ना बच्चों, वो हमारे घर में पानी पहुंचता कैसे, सप्लाई कैसे होता है, आज हम ये देखते हैं। रेन वाटर फॉल्स इन अ लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स। बारिश का पानी क्या होता है, झीलों में, तालाब में और नदियों में गिरता है। ऐसा तो नहीं कि बारिश के पानी को हम रोक लेते हैं कि भाई नहीं तो आज मेरे घर ही में गिरना, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है, लेक्स में जाता है, झीलों में, तालाबों में और बड़ी बड़ी नदियों में, नदियों में भी जाता है। दिस वाटर इज कलेक्टेड इन द लार्ज टैंक्स एंड क्लीन। वो ये पानी को फिर एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है सब, और फिर इसको साफ किया जाता है, क्योंकि पानी को जो रेन वाटर होता है वो डायरेक्ट रिवर में आए या पॉन्ड्स में आए या लेक्स में आए तो वो साफ नहीं है, उसको फिर टैंक्स में डालते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। देन द क्लीन वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स, और ये साफ पानी ही टैंक्स के थ्रू हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। वाटर नीड्स टू बी अ बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पानी को पीने से पहले उबालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी में जो कीटाणु होते हैं अगर हम उन्हें ऐसे ही डायरेक्ट पीते हैं तो डैट इज़ हार्मफुल, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, हमें पानी उबालकर ही पीना चाहिए। वाटर प्यूरीफाइज आर ऑल्सो यूज टू प्यूरीफाई वाटर। आजकल आप लोग देखते हैं हम लोग घरों में आरओ लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें पानी को बॉयल, पानी प्यूरीफाई होके आता है। बच्चों अगर नहीं होता है तो हम लोग जिनके घरों में आरओज नहीं है, प्यूरीफाई नहीं है, तो क्या करते हैं पानी को बॉयल कर लेते हैं फिर उसको छान के पीते हैं, तो इससे पानी प्यूरी हो जाता है, प्योर हो जाता है, प्यूरीफाइड हो जाता है, और इसको इसमें जो पानी में जो जम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर वी मे फॉल सिक। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। ये लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स को पानी की ज़रूरत है, वाटर इज़ नीड है, उसी प्रकार एनिमल्स और प्लांट्स को भी है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड, दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स एंड फूड टू देयर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। और इसी तरह एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को भी तो पानी पीने के लिए, नहाने के लिए चाहिए। सो जैसे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है और ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स क्या करता है पानी से, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड पुटिंग द फायर। ये पानी के लिए क्या करते हैं, बस अब हमारी विदाउट पानी हम जिंदा नहीं रह सकते, और ये वर्क्स हैं कि हम ड्रिंकिंग करते हैं, पानी का क्या क्या यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग पीने के लिए, नहाने के लिए,
धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग सफाई के लिए और पुटिंग ऑफ फायर, आग को बुझाने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेव वाटर पढ़ेंगे। ओके।